बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपीएल जीतने पर कोलकाता की टीम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, जबकि नक्सलवाद में शहीद हुए जवानों के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। नक्सलवाद के शिकार लोगों को किसी भी तरह की सुविधाएं ममता ने मुहैया नहीं कराई थी, लेकिन आईपीएल जीतकर आई टीम को लेने के लिए ममता ने चार चार मंत्रियों का स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भेजा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ममता के पास अगर इतना पैसा है तो वो क्यों केंद्र से राहत पैकेज की मांग करती हैं? इसका मतलब तो ये होता है कि ममता झूठी शान दिखा रही है या फिर केंद्र से झूठ बोलती हैं। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक। अभिषेक, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां ममता इतना पैसा लुटा रही है आईपीएल जीतने पर, और यहां जब नक्सलवाद में सबसे ज्यादा जो लोगों की मौत हुई थी बंगाल से हुई थी, और वहां पर ममता ने कुछ नहीं किया था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, नक्सलवाद का मुद्दा रहा हो या एनटीटीसी का मुद्दा रहा हो, जिस पर सबसे पहले ममता ने केंद्र के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई थी, हालांकि वो केंद्र में यूपीए सरकार को सपोर्ट करती हैं, उनका साथ ही वो बनी हुई हैं, लेकिन जब भी आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो ममता बनर्जी बैकफुट पर नजर आती हैं। उनके क्षेत्र में नक्सलवाद, उनके जो प्रदेश है, नक्सलवाद की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, बड़े अधिकारियों को अगवा कर लिया जाता है, खून खराब आमतौर पर सड़कों पर होता है, तो जो मृतक हैं या पुलिस वाले जो शहीद होते हैं, जो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार को जब मुआवजा दिया जाता है उसको मिलने में कई कई साल लग जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन वो पैसा उन तक पहुंच नहीं पाता। कमाल की बात आप ही देखिए, विडंबना की बात है कि जब खिलाड़ी कोई आईपीएल के खिलाड़ी जब आते हैं, शाहरुख खान एक कलाकार हैं, जब वो प्रदेश में आते हैं एयरपोर्ट पे, चार चार मंत्री, कैबिनेट मंत्री उनको रिसीव करने जाते हैं, जबकि जब कोई जवान शहीद होता है, कोई घटना बड़ी जब प्रदेश में कोई घटती है, तो कोई मंत्री सिर्फ वो अपनी सांत्वना जताते हैं, तो मौके पर कोई नहीं जाना पसंद करता क्योंकि उनको डर लगता है जी, तो वो भयभीत रहते हैं जी। इसमें दूसरी बात आप सबको पहले मैं बता दूं कि आईपीएल का जो खेल हो रहा है पैसे का खेल है जी। सबसे बड़ी बात कि जब वो खिलाड़ी यहां आते हैं उनको कैश में पैसा दिया जाता है, वो भी एडवांस। जवान जो देश की रक्षा करता है, प्रदेश की रक्षा करता है, आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी बलिदान अपने जीवन का देता है, उसको पैसा मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो ये बात ममता दीदी को सोचनी पड़ेगी।